जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोस्टेड चने की चिक्की बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने एक कप रोस्टेड चना लिया है और इसको थोड़ा कढ़ाई में डालकर इसकी नमी निकाली है। यह आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। इस तरह से एक कटोरा लिया है, आप कप के हिसाब से नाप बता रही हूँ। इसको एक दो मिनट के लिए गरम कर लें। अब मैंने इसमें आधा कप गुड़ डाला है। गुड़ को जब तक हिलाते रहें कि यह थोड़ा टाइट न हो जाए, और इसको पानी में एक बूंद डालकर देखें कि इसकी आवाज़ एकदम खींचे नहीं, बस एक गोली बन जाए और टक टक की आवाज़ आए। किसी बर्तन पर लगा कर देखें तरह से। फिर एक चम्मच घी डाला है, इससे शाइनिंग आएगी और सॉफ्ट भी बनेगा। एक चुटकी मीठा सोडा, अब इसे आप एक बार और चेक करें कि यह चाशनी तैयार हुई है या नहीं अच्छे से। अब चने डाले हैं, चने डालकर फटाफट हिलाकर इसे किसी चकले पर, प्लेटफॉर्म पर सफाई कर कर, या मैंने यह सिलिकॉन मैट लिया है, इस पर चिपकता नहीं है, हल्का सा तेल लगा लिया है और बेलन की भी तेल लगाया है। और अब मैं इसे हल्का सा बेल लूँगी ताकि एक जैसा हो जाए। इस तरह से इसमें थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये कड़क हो जाती है चाशनी और फिर बेलने में नहीं आएगी। अब इस पर हल्के गरम गरम पर ही कट लगा लें। आप मन चाहे वो शेप दे सकते हैं। ये चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सर्दियों में इन्हें खाना चाहिए, ये अच्छा रहता है गुड़ चना। देखिए इस तरह से ये आपकी चिक्की बनकर तैयार है। इसी तरह आप मूंगफली की भी बना सकते हैं, मैंने मूंगफली की भी बनाई है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।